पुलिस वालों की नज़रों में गैंग, हमारे लिए तो नहीं है गैंगस्टर, हमारा तो भाई है। हर आदमी को अपने लिए तैयार होना पड़ेगा, जैसे लॉरेंस बिश्नोई तैयार है अपने मरने मिटने के लिए हिंदू के लिए, वो इंसान वाली मानसिकता है ही नहीं। जिस तरीके से जानवर पागल हो जाता है ना, उस तरीके से पागल है हिंदू, उनकी नज़रों में कुछ है ही नहीं। एक चीज़ बोली थी, राजस्थान से दिल्ली आए हैं कि चारों तरफ से तो हम मुगलों से घिरे हुए हैं, ये क्या सोच के बोला? क्यों, मैं घूमा हूँ भैया, जितने भी सारे रोड हैं सारे मुसलमानों के, ज़्यादातर अकबर रोड, शाहजहाँ रोड, जितने भी रोड ले लो ज़्यादातर उनके ही नाम पर है। दिल वाले के पास भी जाते हैं मंदिर के लिए सामान लेने के लिए, वो भी हमको डर डर के लेना पड़ता है कि मुसलमान तो नहीं है कोई, हमें थूक का सामान तो नहीं मिल रहा, रास्ता कोई तो नहीं छोड़ रहे। हमने मंदिरों की पूजा करी, मंदिर तोड़ दिए, मूर्ति की पूजा करी, मूर्ति तोड़ दिए, अब हम गाय की पूजा करें तो गाय को खाने लग गए। वो ऐसा करना चाहिए, डायरेक्ट बोल रहा है तो साढ़े को ख़त्म ही कर दो, जैसे वो ख़त्म कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? राज सिंह। राज सिंह, राज सिंह, ये जामिया वाली न्यूज़ जब देखी आपने, क्या आया जहन में? जहन में क्या आया कि सर अब क्या बताएं, गुस्सा तो इतना आया कि जैसा वो हमारे साथ कर रहे हैं ऐसे हमको भी उनके साथ करना चाहिए, बदला चाहिए। लेकिन मानसिकता क्या लगती है, मतलब इन लोगों की मानसिकता ही खराब है या कोई नफरत है, ये चाहते हैं कि, आपको क्या लगता है? भाई इंसान हो तो बात करें, वो इंसान वाली मानसिकता है ही नहीं उनकी। जिस तरीके से जानवर पागल हो जाता है ना, उस तरीके से पागल है हिंदू, उनकी नज़रों में कुछ है ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है हिंदू की उनके सामने। हिंदू तो कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े हिंदू तो, मुसलमानों की नज़रों में क्या है हिंदू? लेकिन जो हमारे कुछ हैं दोगले हिंदू, वो जो भाईचारा में लगे हुए हैं, उनकी बदौलत हमारी मिट्टी पलट हो रही है। दोगले हिंदुओं की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, दोगले हिंदुओं की वजह से हो रही है। अब आप हिंदू, मैंने आपके ऊपर हाथ धर दिया भाई, ये वो, बस आप खुश मुसलमान की साइड में। लेकिन वो कहते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति सब हिंदू हैं, फिर आप कीड़े मकोड़े क्यों बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मेरे पीछे थोड़ी खड़ा है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, 140 करोड़ की आबादी हमारे देश की, 140 करोड़ के पीछे थोड़ी है वो, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो योजना ही तो बता सकते हैं या हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। बस हर आदमी को अपने लिए तैयार होना पड़ेगा, जैसे लॉरेंस बिश्नोई तैयार है अपने मरने मिटने के लिए हिंदू के लिए, उस तरीका से हर एक हिंदू को तैयार होना उसकी तरह। लेकिन उनको तो गैंगस्टर बोलते हैं ना सारे लोग। भाई वो हमारे, वो पुलिस वालों की नज़रों में गैंग, हमारे लिए तो नहीं है गैंगस्टर, हमारा तो भाई है। वो भी राजस्थान में जो हिरण बिश्नोई समाज है, हाँ, वो बड़ा मानता, आप भी मानते हैं उनकी चीज़ों, उनकी जो पॉलिसी है? हाँ, क्यों नहीं मानते, हम भी लवर हैं पूरे, हाँ पक्के। आपको सोल्यूशन क्या लगता है कि हिंदुओं को कैसे मजबूत होना पड़ेगा जो ये चीज़ें रुक सकें, क्योंकि छोटे से सेलिब्रेशन वो कर रहे थे और इतना हो हंगामा किया, दीपक तोड़ दिए, उनके रंगोली मिटा दी। हिंदुओं को सर पहले तो जो अपने माँ बाप हैं, पेरेंट्स, सबसे पहले तो उनको ही जागरूक होना है, जो अपने ये बच्चे हैं छोटे छोटे उनको जागरूक करें, ये मंदिर है मंदिर में जाना सिखाएं, उनको बाकायदा सिखाएं कि हमें क्या करना है, किससे सेफ रहना है, कौन हमारे लिए अच्छा है कौन बुरा है, तब जाके आगे जाके जनरेशन डेवलपमेंट होगी हमारी हिंदुओं की, नहीं नहीं होगी। जो ज़्यादा पढ़ गए हैं ना, जो कॉलेज में जा रहे हैं, वो ही ज़्यादा हमारा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा भ्रष्टाचार, ज़्यादातर वही। विपक्ष लगता है हिंदुओं का विरोध करता है, क्यों नहीं सर, क्यों नहीं करता, पूरा बराबर कर रहा है, 100% कर रहा है, 1% नहीं, 100%, 100%। और क्या, डायरेक्ट बोल रहा है ना कि हिंदू अत्याचार है, राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, कौन नहीं बोल रहा, जितने भी हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ बोली थी, राजस्थान से दिल्ली आए हैं कि चारों तरफ से तो हम मुगलों से घिरे हुए हैं, ये क्या सोच के बोला? क्यों, मैं घूमा हूँ भैया, जितने भी सारे रोड हैं सारे मुसलमानों के, ज़्यादातर अकबर रोड, शाहजहाँ रोड, जितने भी रोड ले लो ज़्यादातर उनके ही नाम पर है। क्या है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, दिल्ली तो पूरी मुगलों से घिरी हुई है। हम फल वाले के पास भी जाते हैं मंदिर के लिए सामान लेने के लिए, वो भी हमको डर डर के लेना पड़ता है कि मुसलमान तो नहीं है कोई, हमें थूक का सामान तो नहीं मिल रहा। आप पूछते हैं लेने से पहले नाम? बराबर पूछते हैं, अब तो पूछने लग गए, पहले तो नहीं पूछते थे, अब तो पूछने लग गए। हाँ, अब क्यों पूछने लग गए हो? वो सोशल मीडिया खबरें आई, जब से सोशल मीडिया आया देखा है हमने, बाकायदा थूक रहे हैं मूत रहे हैं, तो हमें भाई डर है, हम मंदिर में चढ़ा रहे हैं तो कोई ऐसा गंदी चीज़ थोड़ी चढ़ा देंगे मंदिर में, चाहिए वो पूछना, हमारा हक है पूरा। मतलब आस्था के साथ, आस्था को भी नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग, हैं आस्था कोई तो नहीं छोड़ रहे। हमने मंदिरों की पूजा करी, मंदिर तोड़ दिए, मूर्ति की पूजा करी, मूर्ति तोड़ दिए, अब हम गाय की पूजा करें तो गाय को खाने लग गए वो, अब बताओ क्या करेंगे। लड़की को पूज रहे तो लड़की को नहीं छोड़ रहे वो, इतना बुरा हाल हो गया, इतना बुरा हाल हो गया। तो ये मोदी योगी जी समर्थन नहीं कर रहे, तो कहते हैं कि हिंदुओं के लिए बात करते हैं, फिर भी ये चीज़ें आ रही हैं आपके जहन में? भैया बात ही तो कर सकते हैं, मोदी योगी तलवार लेके काट थोड़ी सकते हैं, वो बोली तो सकते हैं, हमको जागरूक ही तो कर सकते हैं, ये तो हमारे ऊपर होना चाहिए ना कि हम कैसे जागरूक हों। हिंदुओं को तलवार उठानी चाहिए, उठानी चाहिए बराबर।
जैसे जामिया में वो मारने को तैयार हो गए, नारा दे रहे हैं। वो अभी जिसने बंदे ने एक मारा है जो झंडे के ऊपर डायरेक्ट गोली मार दी, और हम आज मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल के चला जाऊँगा, क्या है कुछ नहीं। और वो ऐसा करना चाहिए, डायरेक्ट बोल रहा है तो सारे को ख़त्म ही कर दो, जैसे वो ख़त्म कर रहे हैं। तो बोलने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने गोली मारी तो पुलिस ने एनकाउंटर करके उनको गिरफ्तार भी किया। अब गिरफ्तार तो कर लिया, अब घर वहाँ जेल में रोटी तोड़ेगा, कुछ होएगा नहीं, ना फांसी होनी ना कुछ होनी, आराम से ऐस मौज करेगा, 10 साल बाद आ जाएगा। यही है बस, और क्या है, यही अपनी सरकार है, यही अपनी सरकार। और करें।